गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा सारे लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा सारे लोग। सो पूजा कृति पूजा, सो गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे विच इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बिहार एग्जाम। और जैसा कि आप सबको पता है, बज चुके हैं सुबह के 8:30, और 8:30 जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि 8:30 मैं आज शनिवार को लेकर के आऊँगा आप सबके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के टॉपिक को, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बीपीएससी एग्जाम। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली हमारा होने वाला है हमारे हमारे मतलब कि हमारे बेसिकली होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो बिहार के हैं उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका ये टॉपिक आज का होने वाला है। तो आप सबके कमेंट्स मैं फ़ोन पे देख पा रहा हूँ जैसा कि, तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉजिटिव थाट के साथ अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। तो आज की जो दोस्तों हमारी पॉजिटिव थाट है वो ये है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार होगी और अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत होगी। तो हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में रखिए कि जीत और हार कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो हार हो जाएगी और अगर आपने ठान लिया तो जीत होगी। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिकली ये क्लास मतलब कि आपको ऑब्वियस चीज़ है बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में जानकारी देगा, विच इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। और आप सबको पता ही है कि अभी तक हमारा जो सीरीज है, सानू कुमार गुड मॉर्निंग, कश्यप जुगनू गुड मॉर्निंग, कश्यप जुगनू गुड मॉर्निंग, जैसा कि आप सबको पता है अभी तक जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है बिहार के हमारे जीके में रिलेटेड, हमारा ये आखिरी टॉपिक है। और अभी तक जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है वो आपके एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मिडावल हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया है आपके जूलॉजी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया इकोनॉमी ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार, इससे रिलेटेड MCQ, एनर्जी सेक्टर ऑफ बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार से रिलेटेड MCQ, रिसोर्स इन बिहार से रिलेटेड MCQ, उसके बाद हम लोगों ने किया आपके पॉलिटी ऑफ बिहार, फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर अप किया था आपके अर्बन म्यूनिसपैलिटी इन बिहार, पंचायती इन बिहार। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग हमारे आखिरी टॉपिक दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन बिहार के टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग पार्ट थर्ड को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत बिना समय को गवाए हुए। तो जैसा कि आप सबने देखा था पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किए थे और वो क्वेश्चन तकरीबन आपके 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन कवर अप हो गए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 से करते हैं हम लोग शुरुआत आज हमने अपनी क्लास की। नहीं ये तो हो ही गया था, हुआ द फर्स्ट गवर्नर, नहीं ये नहीं हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। आजादी के बाद पहले आपके गवर्नर बिहार के कौन थे? क्या वो माधव श्रीधर, क्या वो माधव आपके श्रीहरि एने थे, आरआर दिवाकर थे, या फिर आपके जयराम दौलत राम थे, या फिर आपके जाकिर हुसैन थे? फटाफट बताइए भारत के पहले गवर्नर कौन थे, फटाफट बताइए कमेंट्स में बताइए, आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कृति सानू मेहता इन लोगों ने सही जवाब दिया है, और सही जवाब इसका हो जाएगा जयराम दास दौलत राम, इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज़ादी के बाद भारत के जो पहले गवर्नर थे वो थे आपके जयराम दास दौलत राम, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले गवर्नर ऑफ बिहार यानी कि भारत के बिहार के पहले गवर्नर, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन था आपके आज़ाद बिहार के, ये क्वेश्चन है आपके बिहार के पहले गवर्नर, अंग्रेजों वाले के बिहार के पहले गवर्नर 1936 में बने थे, बताइए कौन बने थे? सर जेम्स सेफ्टन, सर मोरिक आपके गैर्नियर हैलेट, या फिर सर थॉमस एलेक्जेंडर स्टुअर्ट, या फिर सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, बताइए बिहार के पहले गवर्नर 1936 में कौन बने थे? फटाफट बताइए कश्यप जुगनू, फटाफट बोलिए बोलिए फटाफट।
आयुषी पांडे 13 का है। बाकी लोग बताइए, आप सबके कमेंट्स देख रहा हूँ मैं, आप सबके कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। बताइए सब, सारे लोग जवाब बताइए। जवाब देने में संकोच मत कीजिएगा, गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। ए ए ए, ज़्यादातर लोग ए के साथ जा रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा ए। ठीक है सर, जेम्स सिफ्टन जो हैं ये आपके पहले गवर्नर थे हमारे बिहार के, जो कि 1936 में आपके बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, क्या वो गवर्नर है, क्या वो प्रेसिडेंट है, क्या वो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर वो चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। मुख्यमंत्री को चुनता कौन है, क्या वो गवर्नर है, ठीक है, मुख्यमंत्री को सॉरी चुनता नहीं, मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है उस पोस्ट पे, क्या वो गवर्नर है, क्या वो प्रेसिडेंट है, क्या वो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर वो चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बताइए फटाफट, आयुषी, सानू, कृतिक, मीदा, इन लोगों ने ए की तरफ गए हैं, और बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर। तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, तो चीफ मिनिस्टर को आपके अपॉइंट करते हैं गवर्नर। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, गवर्नर उसी को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं जिसकी पार्टी आपके विधानसभा इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी गेन की हो। मेजोरिटी गेन करना मतलब कि जैसे माने चले हमारे बिहार में अगर 243 हमारे विधानसभा सीट्स है तो हाफ से एक ज़्यादा, हाफ प्लस वन, तो 243 का हाफ कितना हो जाएगा, तकरीबन आपके 122, साढ़े 122 हो जाएगा, प्लस वन अगर कर दे हम लोग तो 123 सीट। तो हमारे बिहार में मेजोरिटी के लिए चाहिए आपको 123 सीट, किसी भी पार्टी या फिर किसी भी अलायंस का अगर 123 सीट है तो उस पार्टी की सरकार हमारे बिहार में बन जाती है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है गुड्डू कुमारी, दिख रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, श्री कृष्ण सिंह, के बी सहाय, विनोदानंद झा, या फिर दीप नारायण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री आपको कौन देखने को मिलते हैं, श्री कृष्ण सिंह, के बी सहाय, विनोदानंद झा, या फिर दीप नारायण सिंह। बताइए हु आर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिलेंगे, फटाफट बताइए। हु आर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, श्री कृष्ण सिंह, के बी सहाय, विनोदानंद झा, दीप नारायण सिंह। कौन बिहार के आपको पहले चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, श्री कृष्ण सिंह, के बी सहाय, विनोदानंद झा, या फिर दीप नारायण। 15 का ए, श्री कृष्ण सिंह, वेरी गुड। श्री कृष्ण सिंह जिसको हम लोग एस के सिंह भी कहते हैं, ये हमारे बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, बिहार सरकार की पहली कैबिनेट आपके कौन से साल में बनी थी, क्या 1946 में, क्या 1947 में, 1948 में, या फिर 1950 में, फटाफट बताइए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि पहले कैबिनेट में आपके कितने लोग थे, हालांकि आज क्वेश्चन इस पर बना ही हुआ है। बताइए पहली कैबिनेट बिहार सरकार की कौन से साल में फॉर्म हुई थी, 1946 में, 1947 में, 1948 में, या फिर आपके 1950 में। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जितना भी आप लाइक, केयरिंग, शेयरिंग करोगे हम वीडियो की, उतना ही ज़्यादा हम एजुकेटरों के लिए जो मोटिवेशन का ये वीडियो काम करता है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब। बोले बोले बोले, आप सबके कमेंट्स देख रहा हूं। 1946, बिल्कुल सही जवाब, 1946। ठीक, गुड्डू, शालिनी, कृति, अलका, कृष्ण सिंह, कश्यप, जोगनू, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, सानू कुमार, आयुषी पांडे, अलका वर्मा, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब इसका हो जाएगा ए, 1946 में पहली बार बिहार की लेजिस्लेटिव आपके फॉर्म हुई थी, पहली कैबिनेट आपके फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि व्हेन वाज द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपके कब फॉर्म हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपके कब फॉर्म हुई थी, बताइए फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपके कब फॉर्म हुई थी, फटाफट फटाफट बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का जवाब।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपके कब फॉर्म हुई थी? 1 अप्रैल 1949, फटाफट बताइए, 1 अप्रैल 1949, या फिर आपके 20 दिसंबर 1920, फटाफट 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 बताइए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कब फॉर्म हुई थी? 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपके 1 अप्रैल 1949, ज्यादातर बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुई थी। ये क्या है दोस्तों? जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कराती है, इनके में मदद करती है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसके अलावा आपकी क्या है दोस्तों? इसके अलावा आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि एजेंसी है जो कि रिक्रूट करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको पटना को देखने को मिलेगा। इसके बेसिकली आपके चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन, करंट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी? तो अगर हम लोग बात करते हैं करंट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, तो श्री आर के महाजन, याद रखिएगा, श्री आर के महाजन, जो कि आपके पेशे से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, श्री आर के महाजन, ये बेसिकली आपके बीपीएससी के चेयरमैन है। इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के चेयरमैन आपको श्री आर के महाजन, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये आपके चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत आपके स्टेट सिविल सर्विस को कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 318। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपके कश्यप जुगलू, 318 आर्टिकल नंबर के तहत आपके सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया जुगनू, अच्छा सही हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ बिहार कमीशन फॉर वुमेन आर इलेक्टेड फॉर व्हाट टर्म? जो बिहार कमीशन फॉर वुमेन जो है, ध्यान रखिएगा, सवाल को समझिएगा फिर जवाब दीजिएगा। बिहार कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये आपकी कौन से कितने टर्म के लिए होता है? अगर आपसे मैं पूछूं बिहार कमीशन फॉर वुमेन जो है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए? आपको बताना है कि बिहार कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये बेसिकली आपके कितने साल के लिए, जो बिहार कमीशन ऑफ वुमेन जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं बिहार कमीशन ऑफ वुमेन्स के, कितनी साल के लिए आपके नियुक्त होते हैं? फटाफट बताइए, बिहार स्टाफ वुमेन कमीशन जो है, इसके मेंबर्स जो होते हैं कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? 5 साल, 10 साल, 3 साल या 2 साल? इसके पहले, इसके अलावा मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि बिहार कमीशन फॉर वुमेन जो है, ये बेसिकली आपके 1993 में आपके बनी हुई संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको कहाँ नजर आ जाएगा? इसका हेडक्वार्टर भी आपको पटना नजर आ जाएगा, जो कि हमारी कैपिटल है। इसके बेसिकली आपके कमीशन एग्जीक्यूटिव कौन है, इसके हेड कौन है? तो मिस आपके करेंट के मिस दिलमानी मिश्रा, ठीक है, ये बेसिकली कौन है आपके, इसके चेयरपर्सन है मिस दिलवानी मिश्रा। और इसका कंपोजिशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम लोग बात करें तो इसका बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर ऑफ द वुमेन, इंश्योर प्रोटेक्शन एंड द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो मेंबर ऑफ स्टाफ जो हो जाएगा, इसका सही जवाब वैसे आपका हो जाएगा 3 साल। 3 सालों के लिए जो इनके मेंबर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है, मेंबर्स की, याद रखिएगा, या तो 3 साल पहले कर लें, या तो 62 साल की उम्र पहले कर लें। तो ध्यान रखिएगा, इस दोनों में से कोई भी पहले हो जाए, 3 साल या फिर 62 साल की उम्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। हु सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन? बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को बेसिकली कौन सुपरवाइज करता है? बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को आपके कौन सुपरवाइज करता है? कौन बेसिकली आपको मतलब उसको सही से मतलब देखता है, मतलब उसको सही से चलाने में मदद कौन सी संस्था करती है? क्या वो गवर्नर ऑफ बिहार उनको मदद करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर उनको मदद करती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, विधानसभा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन की मदद करती है? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा, कौन आपको मदद करती है? फटाफट बताइए बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन मदद करती है? फटाफट बताइए, कौन असिस्ट करती है? फटाफट बताइए, फटाफट दोस्तों बताइएगा, बिहार इलेक्शन कमीशन को आपके
कौन असिस्ट करती है? फटाफट फटाफट बताइए, बिहार इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करती है? फटाफट बताइए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सबके कमेंट, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग डी के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोग डी के जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, जब हम बात करते हैं बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपके बहुत पहले बनी थी, बट आपके जो खासकर जो पंचायती राज जो है, पंचायती राज के आ जाने के बाद ये बेसिकली आपके पंचायती राज के चुनाव और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव आपको बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, जो कि आपके 1966 में फॉर्म हुई थी। और ये बेसिकली बिहार में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका भी हेडक्वार्टर आपको पटना ही देखने को मिलेगा। और इसके जो आपके हेड हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा बिहार इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है, तो श्री दीपक जो है ये बेसिकली आपको बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के हेड आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा हेड नजर आ जाएंगे। इसके अलावा वो कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन से आता है, तो आर्टिकल का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल नंबर आपके हो जाएंगे 243 आर्टिकल जो है आपके इलेक्शन कमीशन के तहत आता है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपके 25 जनवरी याद रखिएगा इसका फाउंडेशन डे क्या है, 25 जनवरी 1950 को ये बनी थी और 72 साल हो गए तकरीबन इसको बने हुए। ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है। और इसके आपके हेड कौन है, तो इसके आपके हेड कौन है, तो सुशील चंद्र, याद रखिएगा सुशील चंद्र, ठीक है, IRS अधिकारी हैं सुशील चंद्र। तो सुशील चंद्र जो है बेसिकली आपके किसके हेड है, तो ये आपके इलेक्शन कमीशन के आपको हेड देखने को नजर आ जाएंगे, सुशील चंद्र, ठीक है, क्लियर है। चलिए, डी डी, बहुत बढ़िया, तो इस सवाल का जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। सानू पूजा सानू, गुड्डू कुमारी, अलका कुमारी, स्मिता, कृति, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये सवाल का जवाब समझ गए क्या आखिर आंसर होगा इसका, इसका आंसर आखिर क्या होगा, इस सवाल के जवाब को आपने समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चीफ मिनिस्टर इज गिवन ओथ बाय, यानी कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, क्या वो गवर्नर है, राज्यपाल है, क्या वो स्पीकर है, यानी कि आपके जो स्पीकर है वो है, या फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या फिर आपके चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जो चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों, फटाफट बताइए, गवर्नर, वेरी गुड, जो राज्यपाल है वो आपको चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाएंगे। बिहार के करंट आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। बिहार के करंट आपके गवर्नर कौन है, फटाफट बताइए, बिहार के गवर्नर कौन है, फटाफट, फागू पाठक, ठीक है, फागू पाठक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बिहार के स्पीकर कौन है, तो विजय कुमार सिंह, याद रखिएगा विजय कुमार सिन्हा जो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ये आपके बिहार विधानसभा के आपके क्या हो जाएंगे आपके बिहार विधानसभा के आपके स्पीकर हो जाएंगे। हाईकोर्ट कौन है, तो संजय कैलोर, ध्यान रखिएगा संजय कैलोर जो है ये आपके चीफ जस्टिस हो जाएंगे आपके हाईकोर्ट के, ठीक है, फागू चौहान जो है बेसिकली आपके, फागू चौहान जो है ये बेसिकली आपके कौन है, तो गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो मिनिस्टर का ग्रुप होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये आपके इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली के लिए, यानी कि जो आपके असेंबली होती है असेंबली के लिए खुद पर खुद अलग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर इन लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर ये जवाबदेह होते ही नहीं है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताइए मिनिस्टर जो है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फटाफट तो इसका जवाब, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सबके कमेंट्स में कि कृष्ण सिंह, स्मिता बी की तरफ जा रही हैं, बहुत बढ़िया, तो ज्यादातर लोग इसमें बी की तरफ जा रहे हैं, कृति कुमारी बी की तरफ, तो इसका भी सही जवाब आपके हो जाएगा बी, आप सबके कमेंट्स में देख रहा हूँ, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिहार सेक्रेटरिएट, बिहार सेक्रेटरिएट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है। इट वॉज डिजाइंड बाई जोसेफ आपके मुनीच एंड मार्टिन बर्न,
तो बिहार आपके जो सेक्रेटरिएट है, बिहार सचिवालय है, इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, तो जोसेफ मुनिंग और मार्टिन बर्न। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1st of April 1949। इसको 1st of April 1949 को आपके बनाया गया बिहार सचिवालय। आपको बता रहा, अगर आपके स्टेटमेंट नंबर 1 सही है ए के साथ, स्टेटमेंट 2 सही है बी के साथ, दोनों गलत है सी के साथ, और दोनों गलत है तो आप, दोनों सही है तो आप डी के साथ जा सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। बिहार सेक्रेटरिएट को डिजाइन किया गया आपके जोसेफ मुनिंग और मार्टिन बॉर्न के द्वारा, और ये आपके 1st of April 1949 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। बताइए फटाफट क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा डी, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जोसेफ मुनिंग के द्वारा ही आपको और मार्टिन बर्न के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि आपके इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर से था, और ये आपके 1st of April 1949 को आपके कंस्टिट्यूट की गई थी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के गवर्नर जो हैं, ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ बिहार। जो बिहार बीपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, इनको अपॉइंट गवर्नर करते हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपके शिफ्ट हुआ था फ्रॉम रांची टू पटना। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ओनली वन ए के लिए, टू बी के लिए, नन ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, बीपीएससी के जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, इसका हेडक्वार्टर रांची से पटना शिफ्ट हुआ, ये तो सरासर गलत है, पहले ही से पटना था, रांची में था ही नहीं, और ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा ओनली ए, यानी कि ओनली वन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले बीपीएससी के चेयरमैन, जैसे अभी करंट के चेयरमैन तो हम लोगों ने देख लिया, कौन है करंट के चेयरमैन फटाफट बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है, करंट के चेयरमैन, फटाफट मुझे बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब, दोस्तों फटाफट बोले फटाफट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बिहार के चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, श्री आर के महाजन जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो आपके करंट के बिहार के चेयरमैन हैं। आपको बताना है बीपीएससी के पहले चेयरमैन, का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बीपीएससी के चेयरमैन, हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, रजन दरी सिन्हा, हरुण रशीद, जाकिर हुसैन, या फिर आर आर दिवाकर। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी आपके हो जाएगा आपके रजन दरी सिन्हा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। वेयर वाज द ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन बिहार। बिहार में आपके ह्यूमन राइट कमीशन आपके कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 2002, 2006 या फिर 2008। बिहार में आपके ह्यूमन राइट कमीशन कब आपके एस्टेब्लिश्ड हुई थी, आपको ये बताना है, व्हेन वाज द ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन बिहार, फटाफट बताइए, 3rd of January 2000, 2002, 2006 और 2008, फटाफट। बिल्कुल सही, ज्ञान सिंह, कृष्ण सिंह, गुड्डू कुमारी, 25 का ये, इसका सही जवाब हो जाएगा 3rd of January 2000 में आपके बिहार ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हमारे बिहार में आपके हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट बी मोर देन विच परसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके कितने परसेंट से ज़्यादा हम लोग आपके मिनिस्टर्स को नहीं रख सकते, क्या वो 15% है ए है, क्या वो बी 16%, क्या वो सी आपके 17%, या फिर डी आपके 18%। बताइए, बोले फटाफट क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का जवाब। जो आपके टोटल नंबर ऑफ, बहुत बढ़िया कृष्ण सिंह, 3rd January 2000, जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो बेसिकली आपके कितने परसेंट ज़्यादा नहीं हो सकते, क्या वो 15% ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के, 16% ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के, 17% ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के, या फिर 18% ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा सवाल का जवाब, फटाफट बताइए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपके हो जाएगा 15%, याद रखिएगा 15% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स डिड द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार हैड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन।
बिहार में जब पहली कैबिनेट बनी थी उस टाइम पहली कैबिनेट जब बनी थी तो उस टाइम आपके कितने मेंबर्स थे, क्या वो 2 थे, 6 थे, 8 थे या फिर 10 थे? आपको बताना है कि बिहार में जब कैबिनेट बनी थी तो पहली बार वहां पे आपके कितने मेंबर्स थे, फटाफट बताइए। बिहार में जब आपके मेंबर्स बने थे, हाउ मेनी मेंबर्स इन द फर्स्ट कैबिनेट, बिहार में जब पहली कैबिनेट बनी थी कितने मेंबर्स थे, 2, 6, 8 या फिर 10? फटाफट बताइए। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 2। 2 इज द राइट आंसर, 2। पहली बार। टिल हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन बिहार, बिहार में आज तक कितनी दफा आपके राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार? फटाफट बताइए, बिहार में अब तक कितनी दफा राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बिहार में अब तक कितनी दफा राष्ट्रपति शासन? एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर हमें एजुकेटरों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। फटाफट वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सारे के सारे लोग। आपको बताना है कितने, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन बिहार, बिहार में प्रेसिडेंट रूल आपकी कितनी दफा इंप्लीमेंट हुआ? तो अभी तक का सही जवाब हो जाएगा आपके 8 बार अभी तक बिहार में आपके राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे ज्यादा आपको उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है 11 बार, उत्तर प्रदेश में आपके लगा है 11 बार आपके राष्ट्रपति शासन, इसको याद रखिएगा। बिहार में आपके लगा है 8 बार, ठीक। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेट, बिहार में या फिर किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये बेसिकली कौन से अनुच्छेद के तहत आपके लगती है? क्या वो 365 है, क्या वो 356 है, क्या वो 352 है, या फिर 249 है? हमारे इंडिया में 3 प्रकार के आपके आपातकाल इमरजेंसी होते हैं, अंडर आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। 352 वाले को हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ये अभी तक एक बार सिर्फ आया है। 356 को जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, और 360 को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक एक बार भी हमारे भारत में, सौभाग्य की बात है कि नहीं आया है। जैसे श्रीलंका में भी राष्ट्रीय आपातकाल आया हुआ है, आपके वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, देखिए श्रीलंका की हालत क्या हो गई है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 356, यानी कि बी इज द राइट आंसर, और अंडर आर्टिकल नंबर 356 प्रेसिडेंट रूल जो है आपके इम्पोज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे बिहार में कब फॉर्म हुई थी, क्या 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1913 में? फटाफट बताइए, हमारे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर आपके 1913 में? यानी कि हमारे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके कब फॉर्म हुई थी, 1910, 1911, 1912 या फिर 1913? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 में हमारे बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके फॉर्म हुई थी, क्लियर है, बताइएगा क्लियर है। तो बस इसी तरह से हमारा बिहार का जो हमारा सीरीज था वो अब खत्म होता है। आज हमारे जो बिहार का एक सीरीज था वो आपका खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बेसिकली जो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि बिहार के जितने भी आपके MCQ हैं टॉपिक से यूट्यूब पे करा दूंगा, ये 30 तारीख है, और 30 तारीख के साथ ही साथ ये टॉपिक भी आपका होता है खत्म, बिहार जीके का यूट्यूब का सेशन अब होता है खत्म, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग में से किन्हीं भी जन को अगर अनअकैडमी प्लस पे किसी को भी आना हो तो हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो। तो अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए आप लोग को एक छोटा सा प्यारा सा कोड का इस्तेमाल करना है, बी आदित्य लाइव, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को दीजिए 10% डिस्काउंट और मुझे दीजिए अपना सपोर्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, 1 बजे आज आपकी अगली क्लास है, बिहार पॉलिटी की क्लास है, आज बिहार पॉलिटी भी आपकी खत्म हो जाएगी, तो 1 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। इसके अलावा आप हमारे रेगुलर बैचेज आते रहते हैं, अगर आप में से किन्हीं भी जन को अनअकैडमी प्लस पे आना हो तो अभी चल रहा है आपका 20% डिस्काउंट, तो इस 20% डिस्काउंट को पाने के लिए आप सब लोग अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हो। सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा आपको बी आदित्य लाइव कोड है, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को दीजिए 20% डिस्काउंट, 20% वाला ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके 30 तक ही है, 30 तक है, 30th of April तक आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका ये टॉपिक कवर अप हो गया, अब 1 बजे मिलते हैं हम लोग, ठीक है, 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे आपकी बिहार पॉलिटी की क्लास है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग द क्लास। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने बहुत इंजॉय किया हो,
थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन द क्लास.